primarily because the BJP is doing better than expected. Can I show you what KC Tyagi is saying? Poor guy, he's a sweet fellow, but he seems to have gone and conceded. He's speaking to us at this moment. Let's listen. Maybe he wants to pull some of those concessions back. बिहार चुनाव नतीजों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के नेता केसी त्यागी। सर, इस वक्त जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, उस परिस्थिति के हिसाब से आप क्या देख रहे हैं जो चुनाव नतीजे आने वाले समय में आएंगे? देखिए, ये बहुत असाधारण परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। 1918 के बाद मानव जाति के इतिहास में ऐसा महामारी प्रकोप नहीं हुआ जैसा इस वर्ष हुआ। 1938 की जो महामंदी है उससे बड़ी महामंदी है। पलायन अपने शिखर पर था, खास तौर से जो पूर्वी भारत है, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, आसाम हो, उड़ीसा हो या पश्चिमी बंगाल हो, यहाँ के लोगों ने ऊंचे पैमाने पर रोजगार की तलाश में पलायन किया। लॉकडाउन के बाद स्थानीय सरकारों ने उनकी मदद नहीं की और उनको वापिस जाना पड़ा अपने घरों पर। यद्यपि WHO की, मोदी जी की, नीतीश जी की संयुक्त लाइन थी कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, जो जहाँ है वहाँ रहे, उसका प्रयोग भी हम लोगों के विरुद्ध ही माना गया। और नीतीश कुमार जी RJD से नहीं लड़ रहे थे, वो प्राकृतिक प्रकोप से लड़ रहे थे, कोरोना से लड़ रहे थे। और जो हमारा संख्या बल कम हुआ है उसकी बड़ी वजह यही है। संख्या बल के पीछे जिस तरीके से LJP की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे मुख्यमंत्री के ऊपर, क्या उसको भी आप जिम्मेदार मानते हैं? क्या सिचुएशन इस वक्त जो बन रही है उसके हिसाब से आप देख रहे हैं? देखिए, LJP सहयोगी पार्टी थी, केंद्र सरकार में आदरणीय रामविलास पासवान जी मंत्री थे, उनके सुपुत्र पार्टी के अध्यक्ष थे, जो RJD से कम और JDU और नीतीश कुमार से ज़्यादा लड़ रहे थे। तो बिखरता हुआ कुनबा और विकृत होती छवि भी इसमें सहायक साबित हुई। JDU की जो अभी वर्तमान स्थिति है, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप किसको जिम्मेदार मानते हैं जो कि सीटें कम हो रही हैं? नहीं, सिर्फ कोरोना और कोरोना दुर्प्रभाव, कोरोना के ऊपर आपने सारी बातें डाल दी सिर्फ। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से विकास, रोजगार की बात कही गई, उन तमाम चीजों को लेकर के भी सवाल उठते रहे। पिछले 8 महीने में सारी परिस्थितियां बदली हैं। जिस पार्टी को 1 साल पहले लोकसभा चुनाव में मात्र एक भी सीट न मिली हो, जिस पार्टी को 243 के सदन में 218 सीटों पर हार मिली हो, वो अचानक कोरोना पीरियड में इतनी डार्लिंग पार्टी कैसे बन सकती? इसके अलावा जो डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही थी, क्या उस इंजन में किसी भी तरीके की दिक्कत है जिस वजह से सीटें डाउन हो रही है? हम नहीं मानते। प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी, बिहार की समूची पार्टी और JDU सब इकट्ठे होकर के NDA में चुनाव लड़े हैं। हमें फिलहाल किसी से कोई शिकायत नहीं। LJP की तरफ से ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री को जेल में डाला जाएगा अगर इस तरीके से उनकी सरकार बनती है, ये भी एक लगातार प्रचार किया गया उनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर। देखिए, जिस नीतीश कुमार के खिलाफ उनके प्रबल विरोधियों ने भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए, उन पर इस तरह के प्रचार करना, आरोप लगाना, ये राजनीति का गिरे हुए स्तर का प्रतीक है। इससे अधिक में कुछ नहीं कहना चाहता। LJP को आप इसके लिए जिम्मेदार ठहराते? नहीं, LJP ने दुष्प्रचार किया, महिमा मंडित को उसको खंड करने का प्रयास किया, जो नीतीश कुमार जी की